हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है uh, कल की डेट में हम अनफॉर्चुनेटली बना पाए बट अगर बात करें आज की डेट में आपके पास दो तीन वीडियो आती हुई नजर आएगी और अगर हम बात करें परसों की डेट की तो परसों में कि हमने ये वीडियो बनाई थी और हमने आपको बताया था मार्केट में लाल रंग हटने वाला है मार्केट होगी रिवर्स खरीद लो अच्छे शेयर पहले ही यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में आएगी फिर से रंगत तो देखिए हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी परसों के दिन में और कल की डेट में हमने देखा तो कल की डेट में मार्केट यहाँ पर रिवर्स होती हुई नजर आई तो हमारी एक सही टाइम पे वीडियो आई थी ऑन द बेसिस ऑफ आर स्टडी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इस दिन गिरेगी तो उसी दिन यहाँ पर गिरती हुई नजर आई हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट की अब भागेगी तो यहाँ पर देखिए उसी दिन भागती हुई नजर आई तो ये क्या होता है ये सीखने और सिखाने की वजह से होता है ओके okay, मार्केट में रहने और, और, और आपको बताने की वजह से होता है ओके आपको बताने से आपकी नॉलेज तो बढ़ती बढ़ती है इवन हमारी नॉलेज भी यहाँ पर रिफ्रेश होती हुई नजर आती है तो इसलिए मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है इस चीज को याद रखिए और इस सीखने के बल पे हम

अपने खुद की स्टडी करनी है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहां पर हम बात करेंगे और हमारी सर्विसेज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप ले सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ तो हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड एप का तो टरीटरी से बात करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ 2004 में इसने एक बोनस देता हुआ नजर आया था वन रश वन का स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर 2010 में स्प्लिट होता हुआ नजर आया था तो यहाँ पर 11 साल हो गए ना नो स्प्लिट नो बोनस और यहाँ पर अभी न्यू फेस वैल्यू कितनी है दो की तो यहाँ न्यू फेस वैल्यू है दो की तो अगर हम बात करें तो कंपनी देखिए यहाँ पर डिविडेंड देने जा रही है ओके okay, यहां पर डिविडेंड आता हुआ नजर आएगा आपको बहुत जल्दी और यहां बात कर रहे जो रुपए की फेस वैल्यू है वो यहां पर अब चेंज होके रुपए की फेस वैल्यू हो सकती है तो यहां पर वन रेशो वन का यहां पर आपको स्प्लिट होता हुआ नजर आ सकता है देखिए टू कंसीडर एंड अप्रूव द स्टैंड रिजल्ट फॉर द जो 30 तारीख को

पर पैरामीटर है सबसे पहले से फिफ्टीन सेप्टेम्बर को सत्ताईस सौ छियासठ रुपए पे शेयर चल रहा था अभी की बात करें तो इक्कीस सौ रुपए लगभग छह सौ रुपए डाउन हो चुका है तो यहाँ पर अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए देखिए तेरह तारीख को है रिजल्ट रिजल्ट से आ, रिजल्ट से पहले हमें यहाँ पर अगर चीजें अच्छी नजर आती है तो ऑब्वियसली बात है हमें वहां पर जाना चाहिए ओके और यहाँ पर एपका लैबोरेटरी की अगर हम बात करें तो एपका लैबोरेटरी एक बेहतरीन कंपनी है ओके यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है इनके प्रोडक्ट्स आपने भी यूज करे होंगे आपको पता नहीं होंगे आप यहाँ पर दवाई जरूर लेते होंगे बट मेडिस के पीछे नाम देखेंगे ना तो किसी ना किसी पर्टिकुलर कंपनी की होगी अगर हम यहाँ पर बात करें फैक्स एंड फिगर तो स्पेसट ईयर इस कंपनी को होगा एटी प्लस एपी इसमें कंपनी काम करते हैं 350 प्लस फॉर्मूलेशन में 120 प्लस कंट्री में काम करती है और 175 प्लस इनके ब्रांड्स हैं तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन ये कंपनी यहाँ पर नजर आती है इसके अलावा कुछ अगर इस की बात करें तो देखिए लार्ज कैप कंपनी है सत्ताईस हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रुपए का मार्केट कैप है सत्ताईस के पी पे और आर ओसी की बात करें तीन सौ सत्ताईस जो कि काफी बेहतरीन माना जाता है लगभग डेट फ्री कंपनी है कोई भी पर शेयर लैस नहीं है सत्ताईस सौ सड़सठ से अभी इक्कीस कुछ के पे पर शेयर चल रहा है तो अच्छा खासा गिरावट भी हो चुकी है इसके अलावा कुछ पैरामीटर की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक में ही शेयर भागो इससे पहले भी ये शेयर अच्छे खासे तरीके से ही यहाँ पर रन करता हुआ नजर

अगर हम बात करें तो देखिए तेरह तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले क्यू टू के बट क्यू वन के रिजल्ट हमारे पास है तो यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है कंटिन्यूटी के साथ और लास्ट टाइम की जो सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर थी लास्ट टाइम का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर हाईएस्ट एवर तो नहीं था बट अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट था इस बार की सेल्स देखिए एवरेज आ सकती है ओके okay, या फिर इसके बराबर ही आ सकती है तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्स डाउन से हो सकता है तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस कोशियस होकर भी आपको चलना है इसके अलावा सेल्स की बात करें ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस कंपनी काफी बेहतरीन है पंद्रह सौ सड़सठ करोड़ की कंपनी यहाँ पर चौवन अगर बात करें चौवन सौ पचपन सौ करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स तक पहुंच गई है सो यहाँ पर दो, दो सौ करोड़ का प्रॉफिट हजार करोड़ से भी ज्यादा का होता हुआ नजर आया तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी कितनी बेहतरीन है रिजर्व की बात करें रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं

मायने रखती है इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग

चीजें में हमेशा आपको बताता हूं जब तो कोई बेहतरीन कंपनी आपको 200 डीएमए के आसपास मिले या फिर उसके नीचे मिले ओके बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी की बात कर रहा एज वेल एज यहां पर 25 से 30% परसेंट तक की गिरावट हो जाए यहां पर कितनी 27% परसेंट इसके अलावा आरएसआई यहां पर 30 के आसपास आ पा जाए तो यहां पर 31 31.53 का आरएसआई तो ये सारी पॉइंट्स फिगर्स हमारी स्टडी पे एकदम फिट बैठते हो और ऐसे शेयर को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे शेयर को पिक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म का मतलब दो सौ तीन सौ रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने है खुद की आपको स्टडी करनी है और यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए बेहतरीन चार्ट पैटर्न पर बनता हुआ नजर आ रहा है सबसे पहले तो इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई तो देखिए यहीं पर ही है ओके जो इसने अभी रिसेंटली बनाया था उसके बाद से नीचे आ गया और यहाँ पर सबको यहाँ पर ट्रैप करता हुआ नजर आया तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक रिवर्स साइड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आया देखिए यहाँ पर एक इसने शोल्डर बनाया इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने यहाँ पर हेड बनाया ओके okay, यहीं पर ही हेड बना लिया था इसके बाद एक यहाँ पर हेड बनाया फिर यहाँ पर हेड बनाया और यहाँ पर दोबारा आके यहाँ पर तीसरी बार अटेम्प्ट करेगा ये देखिए यहाँ पर से तो ऊपर निकल ही गया था फिर नीचे आया फिर यहाँ पर कोशिश करी फेल हुआ फिर यहाँ पर कोशिश करी फेल हुआ तो सबसे पहला टारगेट अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला टारगेट यही है जो इसका यहाँ पर सामने आपके नजर आ रहा है जो कि ये है अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो लगभग देखिए 13% का होता है 13% के रिटर्न तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 13 डेज के अंदर अंदर जब इसके रिजल्ट आने वाले हैं उसी में मिल चाहिए ओके और यह, अगर हम बात करें इस चार्ट पैटर्न के थ्रू जो हमें एक टारगेट नजर, नजर आते है कि कितने परसेंट के टारगेट नजर आते हैं तो ये टारगेट आपके सामने है यहाँ पर देखिए अगर हम इसे उठा लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा तो इसके जो टारगेट है ना थोड़ा सा हम नीचे ले लेंगे इसे कोई इशू नहीं है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग लगभग इकतीस सौ रुपए के टारगेट नजर आते है और इकतीस सौ रुपए का मतलब क्या है इकतीस सौ रुपए का मतलब है कि हजार रुपए यहाँ से सीधे अपसाइड होना और यहाँ पर अगर हम देखें इसके टारगेट थोड़े से और कम कर ले तो लगभग फोर्टी थ्री परसेंट के टारगेट नजर आते हैं बट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा तो हम यहाँ पर बात करें तो शेयर में थोड़ी सी और गिरावट भी हो सकती है सपोर्ट की बात करो तो देखिए पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसी सपोर्ट के आसपास यहाँ पर ये यह शेयर ट्रेड कर रहा है ओके अगर हम बात करें बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा और रिट्रेस हो सकता है और पचास सौ रुपए यहाँ पर शेयर और नीचे आ सकता है तो और नीचे आता है तो और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो है बट मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है ओके okay, फार्मा के शेयर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर द, चलने शुरू हो गए तो यहाँ पर से रिवर्स का ये चीजें हो सकती है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन कंसोलिडेशन भी हो चुका है लगभग एक साल सवा साल हो गया है इसका इस शेयर को एक ही ट्रे, एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए तो ऐसी चीज सुनर और लेटर यहाँ पर निकलती हुई नजर आती है तो यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर लीजिए अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं ओके okay, और जैसे हम मैं बात कर रहा हूं आ, कि अगर और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं सब ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पर यह बात याद रखिएगा ये शेयर फिर 43 परसेंट का रिटर्न शायद आपको एक से दो महीने में ही देते हुए नजर आए बट 43 परसेंट के रिटर्न के लिए एक साल भी वेट करना पड़ गया तो फोर्टी परसेंट की सी एजीआर निकल जाती है और सेवनटी की सी का मतलब है आप करोड़पति बन गए सिंपल तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनस वैसा खुद की स्टडी करना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना इस तरीके की वीडियो शेयर आपको मिलते रहे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी पर्सनल सर्विस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग बात कर लेंगे और कब एग्जिट करना है कब एंट्री करना है वो हमारी जिम्मेदारी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस